प्यार, शक, अपहरण और हत्या। प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सेदर, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये चार लफ्ज का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि मानपुर के साटे नगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है। इस वारदात के बाद में पूरे इलाके में सनसनी सी मच गई है क्योंकि उस क्षेत्र में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी जो घर में काम करती थी। घर का मतलब हाउसमेट थी, वो लोगों का काम करती थी, बर्तन धोना, कपड़े धोना जाके वो करती थी। तो इसी तरीके से वे मानपुर से रोजाना सेंडेस रोड की तरफ जाती थी। इस बीच उसे एक टैक्सी ड्राइवर नामक निजाम नाम के व्यक्ति से प्यार हो जाता है और उसके बाद में ये प्यार इतना बढ़ जाता है कि इनका प्यार के बीच में एक शक पैदा हो जाता है निजाम को कि पूनम का किसी दो और लोगों के साथ में संबंध है, जिसके बाद में पूनम को वो मौत के घाट उतारने के लिए निजाम जिस तरीके का एक षड्यंत्र रचता है। 18 अप्रैल को पूनम को वो लॉन्ग टूर पे लेके जाने के कहता है जिसमें खड़ौली ले जाता है। उसके बाद में आते आते जब उसका ये शक क्लियर हो जाता है तो उसकी हत्या करने की कोशिश करता है और बाद में जब उरन पहुंचता है तो उसकी हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को कहीं शमशान जगह पर फेंक देता है। जिसके बाद में उसके परिवार वालों ने पास के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। पास के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने के बाद 2 दिन पहले उरन में उसकी बॉडी मिलती है और फिर पुलिस को पता चलता है कि पूनम की हत्या हो चुकी है। हालांकि पुलिस को शक होने के बाद पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लिया, जिसके बाद में उसने ये कबूला कि पूनम पे उसे शक था और उसके बाद में उसने उरन में ले जाके पूनम की हत्या कर दी। हालांकि ये हत्या 19 अप्रैल को ही कर दी गई थी, जिसके बाद में 2 दिन पहले यानी 27 अप्रैल को उसकी बॉडी मिली है। बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो गई है, पोस्टमार्टम करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद में इस पूरे मामले के बाद में उस क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ नेता आ जाते हैं, इस मामले को लव जिहाद का एंगल देने लगते हैं। इसी तरीके से मंगल प्रभात लोधा ने भी यही काम किया है, उस क्षेत्र में जाके लव जिहाद को एंगल देने का काम किया है। मगर मंगल प्रभात लोधा ने उस लड़की, जो लड़की मरी है, उसके परिवार को कुछ कंपनसेशन का देने का वादा नहीं किया है, कुछ मुआवजा देने का वादा नहीं किया है और अन्य तरीके की कुछ मदद देने का वादा नहीं किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को देखते हुए आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। देखिए मंगल प्रभात लोधा ने क्या कुछ काम आपको सुनाते हैं। मेरी जो परिवार के निकटवर्तियों से बात हुई है और पुलिस से जो बात हुई है उसमें घटना इस तरह की है कि ये जो पूनम सिरसागर करके जो लड़की थी, यह नागपाड़ा में कहीं पर काम करने के लिए आती जाती थी और एक निजाम करके लड़का इसके संपर्क में आया था जो कि टैक्सी चलाता था। निजाम इसको 18 तारीख को कल्याण के पास में एक जगह पर लेकर गया और वहाँ पर ऐसा नज़दीक के लोगों का कहना है कि उसका पानी के अंदर डुबा के उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में वो उसकी डेड बॉडी को लेकर कल्याण हॉस्पिटल में पहुंचा और जब उसको ये समझ में आया कि लड़की अभी पूरी मर गई है और कुछ नहीं हो सकता है तो वो डेड बॉडी को लेकर वहाँ से भाग गया और भागने के बाद में आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि जिस तरह दिल्ली की भयानक घटना हुई थी उसी तरह से उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके एक सूटकेस में बंद करके, बोरे में बंद करके वहाँ छोड़ दिया गया और वो यहाँ पर आया गया। यहाँ पर हिंदू समाज के, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने जब उसको यहाँ घूमते हुए देखा तो जाकर उन्होंने उसको पुलिस में गिरफ्तार करवाया और उसके बाद में उसने ये कबूल किया कि ये इस तरह की घटना हुई है, भयानक घटना है और इसमें अकेला वो नहीं है, इसके साथ और भी कई दोषी लोग शामिल हैं। एक मातंग समाज की बच्ची के साथ में इस तरह से
अत्याचार करके टुकड़े टुकड़े कर उसको मार के फेंक देना पानी में डुबोने के बाद में, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सारे हिंदू समाज के अंदर, मातंग समाज के अंदर, मुंबई के अंदर इसके विरोध में बड़ी आक्रोश की लहर है। मेरे साथ में योगिता सालवी करके जो हमारी कार्यकर्ता है, वो आपको इस घटना के बारे में चूंकि और बताएगी, वो परिवार से संपर्क में भी है। पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जहां पुलिस ने एक तरफ दोषी को पकड़ने में, बॉडी को वहां रिकवर होने के बाद में उसका मिलान करने में काम किया है, वहां दूसरी तरफ केवल निजाम को पकड़ के नहीं चलेगा, उसके साथ में जो 12-15 लोग और इसमें घटना में आने के बाद और आने के बाद उसकी सारी घटना को छुपाने में जिन्होंने उसके साथ रोल किया, उन सब लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन जूनियर के साथ जयंत, मुंबई टीवी।